हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि प्रिशा और अमरता के स्कूल में कौन सी बुक्स यूज करते हैं और उनको कैसे पढ़ाया जाता है सो so, पहले मैं प्रिशा की बात करती हूँ वो जैसे ही स्कूल से आई थी तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी कि उसके बैग में क्या क्या है पहले हम वो देखते हैं प्रिशा This is my water bottle. <laughs> okay. I drink a lot. Good. Next one. So, ah. So next we have my lunch box. Okay. I pack my lunch and snacks box. Okay. In. So next next we have a book bag where we have to study reading. And yeah. Next is my folder. I bring all my papers in it. That's long. Oh, this is what you did at school today. Yep. Don't see this. Okay, that's a surprise for me.

फोल्डर में क्या होता है कि वो सारा दिन जो भी काम करते हैं ड्राइंग करते हैं मैथ्स का है इंग्लिश का है रीडिंग राइटिंग जो भी करते हैं वो अगर उसको टीचर को अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं रखना होता है तो वो घर भेज देते हैं और दूसरा एक शीट होती है होमवर्क की मोस्टली इनको मैथ का ही होमवर्क मिलता है और वो भी वीक में दो या तीन दिन एक शीट मिलती है उसको कोई नोटबुक या फिर बुक कैरी नहीं करनी होती है क्योंकि इनकी कोई बुक्स होती ही नहीं है एक्सेप्ट के मैथ्स की लास्ट ईयर प्रिषा की किंडर गार्डन में वो भी नहीं थी सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक उन्होंने मंगवाई थी जिसका उसने पूरे साल में एक पेज यूज किया था और इस साल भी जब इनको स्टेशनरी लेके जानी थी प्रिषा को शुरुआत में जब स्टेशनरी दी थी तो सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक दी थी स्टेशनरी के साथ और आई डोंट नो उसने अब तक वो कितनी यूज भी की है और हम बुक्स की बात करें तो प्रिषा की लास्ट ईयर कोई बुक नहीं थी आ, किसी भी सब्जेक्ट की और इस साल भी कोई बुक नहीं है एक्सेप्ट एक मैथ्स की बुक है और वो हमने आज तक देखी नहीं है कि कैसी है और उसमें क्या क्या है ओनली थिंग हमें इसलिए पता चला है कि जो उसका होमवर्क आता है कभी कभी जो होमवर्क के लिए जो शीट्स होती हैं वो बुक से फाड़ी हुई होती हैं। सो so यहाँ पे बुक का क्या है कि जो मैथ्स की बुक होती है उसमें आप शीट्स को फाड़ सकते हैं उसमें एक डॉटेड लाइन रहती है शीट्स फाड़ने के लिए सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द होल बुक होम वो क्या करते हैं कि जो भी होमवर्क करना है वो शीट फाड़ के बच्चे को दे देते हैं और बच्चा होमवर्क करके वो वापस ले जाता है सो so, ये है किंडर गार्डन uh, में कोई बुक नहीं थी ग्रेड वन में सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स की बुक है वो भी हमें ईयर एंड में देखने को मिलेगी जब इनकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी हमने वो बुक नहीं देखी है तो आप सोच रहे होंगे कि बाकी सब चीजों की फिर ये पढ़ाई कैसे करवाते हैं सो so, uh, ये ज़्यादातर क्या है यहाँ पे कि वर्कशीट्स यूज करते हैं टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से वर्कशीट्स लेते हैं सो फॉर एग्जाम्पल ये है इसकी मैथ्स की जो होमवर्क इनको देते हैं शीट फाड़ के दूसरी ये है वर्कशीट्स जो अलग अलग वेबसाइट से इनकी टीचर्स डाउनलोड करती हैं इसमें मैथ्स की भी होती हैं और इंग्लिश की साइंस की ईवीएस जिसको हम बोलते हैं वो सब सो so, ये अलग अलग शीट्स ही इनको दी जाती है और मोस्टली जो इनका वर्क है ये वर्कशीट्स पे ही होता है इनकी नोटबुक जैसे अपने इंडिया में होती है कि एक बुक है टेक्स्ट बुक है और उस उसमें बच्चा पढ़ रहा है उसी में लिख रहा है या फिर उस सब्जेक्ट की नोटबुक है उसमें बच्चा लिख रहा है ऐसा नहीं होता है यार राइटिंग के लिए रीडिंग के लिए यहाँ पे मोस्टली वर्कशीट्स ही यूज करते हैं और लास्ट ईयर जैसे किन्ंडर गार्डन में इसको फोनिक्स सिखानी थी तो हमारे यहाँ क्या होता है कि फोनिक्स की बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन से लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स यूज करती थी वो वर्कशीट ही यूज़ करती थी ये है प्रिशा का फोल्डर लास्ट ईयर का किन्नर गार्डन का और अगर हम बैक से फ्रंट की तरफ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जैसे कि लेटर साउंड्स करवाई हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है ये हमने एकदम ईयर एंड में ही फोल्डर देखा उससे पहले हमें नहीं पता था पहले सारी ये जो साउंड्स है वो है उसके बाद थ्री लेटर वर्ड्स फोर लेटर वर्ड्स साइट वर्ड्स ये देखेंगे वर्ड फैमिली ये सब करवाए हुए हैं सो so, ये सब हमें ईयर एंड में ही पता चलता है यहाँ बच्चों ने जैसे कट करके उसको चिपकाना और वो सब एक्टिविटीज करवाते हैं सो so, पूरा एक फोल्डर है जो शुरू से लेके एंड तक इन्होंने यूज किया है और उसके अलावा जैसे मैंने पहले बोला सब की सब चीजें वर्कशीट पे ही होती हैं और यहाँ पे क्या है कि रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसके लिए क्या है लाइब्रेरी बच्चे जाते हैं वहाँ से बुक पिक करते हैं एवरी वीक उनको एक बुक इशू होती है और वो फिर नेक्स्ट वीक रिटर्न करते फिर नई बुक लेते हैं और लाइब्रेरी के अलावा इनका एक रीडिंग प्रोग्राम चलता है जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स भी वॉलंटियर कर सकते हैं वो पेरेंट्स से बोलते हैं कि आप किस टाइम वीक में किस दिन फ्री हैं वहाँ एक डेढ़ घंटा आप आ सकते हैं सो so, इस रीडिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि क्लास में ही एक बुक रैक होता है उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हिसाब से उनको सेग्रीगेट किया होता है सो so, एक एक बच्चा पेरेंट्स के पास आता है वन ऑन वन पेरेंट्स के साथ बैठ के वो अपने लेवल के हिसाब से बुक चूज़ करता है उसको पढ़ता है और उसके बारे में डिस्कस करता है और वो उसको अपने घर लेके जाता है बुक को जैसे अभी प्रिशा के बैग में एक बुक थी सो so वो उसी रीडिंग प्रोग्राम के अंडर आती है सो so, इसमें क्या है कि बच्चे टीचर्स के अलावा दूसरे किसी और के साथ बैठ के भी बुक रीडिंग करते हैं और यू you नो know, टेक्स्ट क्या है उसको समझना और वो सब भी करते हैं सो so, ये था ग्रेड वन लेवल का और ग्रेड फोर में लास्ट ईयर अमर्त्या की दो बुक्स थी एक थी मैथ्स की बुक जो अगेन हमें नहीं पता था शुरुआत में कि इसकी कोई बुक है भी क्योंकि कभी घर आई ही नहीं और दूसरी थी स्पेलिंग्स की बुक सो so, ये जैसे कि मैथ्स की बुक थी उसने यूज़ की काफ़ी पतली होगी क्योंकि इसमें से काफ़ी शीट्स वो फाड़ फाड़ के देते थे होमवर्क के लिए और सिलेबस अगर आप इसमें देखें तो इसमें सेवन यूनिट्स हैं और यूनिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जैसे इंडिया में होती हैं लेकिन यहाँ पे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है अपने यहाँ क्या होता है कि एक जो टॉपिक है वो करवाया उसकी खूब सारी प्रॉब्लम्स दे दी उनको सॉल्व कर दिया और दैट्स इट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बुक यूज़ नहीं होती है वो इसके अलावा टीचर्स अपनी स्लाइड्स भी यूज करती हैं हैंड्स ऑन जो चीजें होती हैं उनको यूज कर करके बच्चों को मैथ्स में भी यू नो सिखाया जाता है और मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना नहीं है उसमें आपने सॉल्व कैसे किया है उसका एविडेंस क्या है आप उसको कैसे करते हो आपने क्या सोचा उस टाइम उसको करते हुए वो थिंकिंग दिखाना भी बहुत जरूरी है सो so, वो भी ये साथ के साथ लिखवाते हैं कि आपने क्या सोचा ये करते हुए आपने ये अगर इसका सोल्यूशन ये है तो ये क्यों है सो so, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपने जो थिंकिंग की है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए वो आप लिख के दिखाइए सिर्फ बोल के भी नहीं लिख के दिखाइए सो so, सिर्फ आंसर लिख देने से काम नहीं चलेगा आपने जो किया है वो कैसे किया है क्यों किया है वो दिखाइए और साथ ही साथ इनकी एक ये स्पेलिंग की बुक थी इसका भी मुझे नहीं पता था ईयर एंड में जब घर वापस आई है तो पता चला है और ये बुक्स हमने खरीदी नहीं है ये स्टेट की तरफ से ही आई थिंक uh, स्कूल में भेजी जाती हैं और फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और इसमें क्या है कि खूब सारी स्पेलिंग uh, है यूनिट टाइप्स बना रखी है इन्होंने और उसमें हर उसमें ट्वेंटी स्पेलिंग है हर यूनिट में और उस ट्वेंटी स्पेलिंग्स ट्वेंटी वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग याद करनी है उनको कैसे यूज़ करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ और उन ट्वेंटी स्पेलिंग्स को उन्होंने उस यूनिट में क्यों रखा है उन आपस में लिंक क्या है वो सब है इसमें बहुत सारा सो so, ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि बच्चों को स्पेलिंग जब सिखा रहे हैं तो उसका यूसेज क्या है उनकी यू you नो know, उसको दिखाना कि ये इसको कैसे बोलना है इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वाई दीज आर लिंक टुगेदर सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सो so, so, ये दो ही बुक्स अमरत्या की थी लास्ट ईयर की सो so, बाकी आप सोच रहे होंगे कि साइंस में कैसे कराते हैं अगर बुक नहीं है सोशल uh, साइंस में कैसे कराते हैं अगर बुक नहीं है इंग्लिश में कैसे कराते हैं अगर बुक नहीं है तो लास्ट ईयर इनको इंग्लिश में एक नॉवल करवाया था उसके अलावा इनको ग्रामर कराते हैं राइटिंग कराते हैं एसेज कराते हैं वो सब इनका एक प्रैक्टिकली स्कूल uh, में टीचर डेमो देती हैं वो उनको दिखाती हैं कि ये सब क्या है उनके लिए स्लाइड्स होती है सो so, और दूसरी बात इनका क्या है कि ग्रेड थ्री से ये लोग लैपटॉप लेके जाते हैं और ये लैपटॉप आप चाहे तो खरीद के बच्चे को दे सकते हैं या फिर स्कूल से भी आप यू नो रेंट कर सकते हैं सो so, uh, इनका जो ज्यादातर काम है वो लैपटॉप पे रहता है वो उसका काफी यूज़ रहता है इनका क्योंकि जो टीचर हैं वो स्लाइड्स वगैरह वो, वो उसी वहीं पे डालती हैं वहीं पे वो टाइप करके या फिर जो भी उनको काम मिला है उसी को वहीं से सबमिट भी करते हैं क्लास वर्क इवन होमवर्क समटाइम्स सो ये इनका लैपटॉप का शुरू हो जाता है ग्रेड टू से लेकिन थ्री से इनको कैरी करना होता है चाहे तो वो स्कूल में रख सकते हैं और चाहे तो वो डेली ले ला और ले जा सकते हैं और ग्रेड वन और टू में भी इनको आईपैड मिलते हैं स्कूल में यूज करने के लिए डेली इनका रहता है कि हेडफोन हम घर से भेजते हैं और ये आईपैड पैड वहाँ पे इनको मिलता है टैबलेट या आई जो भी है वो और इनको डेली कुछ ना कुछ आई डोंट नो वट दे डू कई बार रीडिंग कर रहे होते हैं कई बार कुछ और तो देखा है मैंने इनको कि हेडफोन लगा के बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ काम कर रहे हैं सो so, सारा दिन नहीं है छोटे बच्चों के लिए हार्डली इनको पंद्रह बीस मिनट के लिए देते हैं बट हाँ इनकी जो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो किंडर में ही हो जाता है और ग्रेट टू से प्रॉपर इनको लैपटॉप होता है क्रोम बुक जिसको बोलते हैं उसमें इधर उधर की चीज़ें नहीं होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही उसमें होती हैं सो so, ये था टेक्नोलॉजी का इनका और यस yes, क्लास में भी इनके स्मार्ट बोर्ड हैं जहां पे टीचर स्क्रीन होती है और बच्चों को अगर कुछ वीडियो दिखाना है कुछ समझाना है वीडियो यूज करते हुए तो उसको भी यूज करते हैं और अगर हम वापस आए और सब्जेक्ट वाइज बात करें कि ग्रेड फोर में जैसे अमर्त्या का था तो मैथ्स मैंने बोला आपको बुक है लेकिन उसके अलावा भी करवाते हैं इंग्लिश में क्या है कि रीडिंग रहती है इनकी क्लास में बहुत सारी बुक्स हैं तो वहां से रीडिंग होती है इनकी बातें साइंस और सोशल साइंस उनकी भी अगेन कोई बुक नहीं है सो so, इस साल जब शुरू में मीटिंग हुई थी वहाँ मैं गई थी तो वहाँ देखा था छः या सात टॉपिक थे साइंस और सोशल साइंस दोनों को मिला के और एक महीना जैसे इस महीने वो साइंस करवा रहे हैं अगले महीने फिर सोशल साइंस का एक टॉपिक करवा रहे हैं और जब वो टॉपिक करवाते हैं तो उसमें क्या है कि टीचर बताती है फिर उनको रिसर्च करने के लिए बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल साइंस का है कोई हिस्ट्री का टॉपिक उन्होंने पिक किया है तो उसमें टीचर ने बताया उन्होंने स्लाइड शेयर की फिर बच्चों ने अपने खुद से रिसर्च की फिर उसके बेस पे उन्होंने अपना एक यू नो ऐसे टाइप कुछ लिखा फिर अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो किए अपनी तरफ से भी वो रिसर्च करते हैं और जो टीचर रिसोर्सेज देती है उनको भी पढ़ते हैं सो so, ऐसा करने में क्या है कि एक बाउंड्री नहीं रहती है कि हमें सिर्फ इतना और इतना ही करना है कि लेसन में चार पेज दिए हैं वो पढ़ लिए और खत्म क्वेश्चन आंसर हो गया इसमें काफी रिसर्च करते हैं बच्चे सेम थिंग साइंस में होती है कि रिसर्च करते हैं प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद उसका क्या एविडेंस था उसको उन्होंने कैसे किया वो सब लिखते हैं तब जाके उनकी एक यूनिट कंप्लीट होती है और इसलिए आई थिंक ये बहुत ज्यादा यूनिट नहीं रखते हैं छह या सात यूनिट एक साल में करवाते हैं सो so, ये था प्रीशा और अमर्त्या की बुक्स के बारे में और अगर आप बात करें सिलेबस की तो यहां सिलेबस का ऐसा नहीं है कि साल के शुरुआत में बताया जाता है कि हम सारा साल इसको ऐसा ऐसा ये ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे नहीं ओवरऑल एक रहता है अगर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे देख सकते हैं या फिर टीचर्स को ईमेल करके पूछ सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस साल की शुरुआत में आपको बताया ही जाएगा कि आ, जैसे बुक में ये, ये चैप्टर्स हैं तो हम ये, ये करेंगे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी सो so, जब तक वो कोई यूनिट शुरू नहीं कर लेते हैं हमें नहीं पता होता कि वो क्या करवाएंगे और क्या चल रहा है स्कूल में पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं देते हैं कि स्कूल में क्या करा रहे हैं क्या सिलेबस चल रहा है अगर होमवर्क है तो आ गया बच्चों को होमवर्क करा दिया मोस्टली बच्चे खुद ही कर लेते हैं कई बार प्रोजेक्ट होता है तब पता चलता है कि ये इस चीज के बारे में काम कर रहे हैं तो इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है और यस ग्रेड फोर और फाइव में मैंने ये देखा है कि प्रोजेक्ट काफी करते हैं बच्चे और इनका मोस्टली क्या आता है कि इनको एनकरेज किया जाता है कि आप एक चीज़ को पढ़ के सिर्फ वहीं से आंसर मत लिखिए आप रिसर्च कीजिए अलग अलग जगह से रिसर्च करते हैं उनको कई बार टीचर्स लिंक देती हैं वीडियोस देती हैं आप इनको देखिए फिर समझिए और उसके बाद जब आंसर लिखना है तो वो अपनी नॉलेज वहां पर अप्लाई करते हैं कि उन्होंने कहाँ से क्या क्या पढ़ा है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ इनको शुरू से ही रेफरेंस देना सिखाया जाता है कि आपने अगर कहीं से कोई चीज़ ली है तो उसको आप रेफरेंस दीजिए अपने राइटिंग में कि हम मैंने यहां से ये ली है क्योंकि इंडिया में जब हम असाइनमेंट लिखते भी थे तो कभी हम रेफरेंस नहीं लिखते थे बाद में जब रेफरेंस लिखने की बारी आई और जब मैं एक्चुअली एक कोर्स कर रही थी जिसमें रेफरेंस करना बहुत ज़रूरी था तब मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था कि हर चीज़ का रेफरेंस कैसे लिखना है सो so, उनको ये सब चीज़ें ये शुरू से ही सिखा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग रेफरेंसिंग और रिसर्च करके आंसर्स देना और अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करके आंसर देना सो so, ये सब चीज़ें इनको शुरू में ही सिखाई जा रही हैं जो कि Uh, हमारे यहाँ जो बच्चे यू नो इलेवेंथ ट्वेल्थ में या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉलेज में करते हैं वो सब चीजें धीरे uh, धीरे शुरुआत करके uh, इनको शुरू से ही वो सब सिखाया जा रहा है आई लाइक दिस वे ऑफ टीचिंग की कोई बुक नहीं है आपको एक किसी एक बुक के हिसाब से नहीं चलना है आपको तीन चार पेज का जो चैप्टर है सिर्फ वही पढ़ के ये नहीं सोचना है कि हाँ मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है अब मैं इसके क्वेश्चन जो है वही से मैं आंसर उठा के यहाँ पे लिखने वाला हूँ सो so, एक ये तरीका रहता है कि आपका माइंड ओपन रहता है आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करते हो अलग अलग चीजों को पढ़ते हो उसके बाद आप अपना आंसर बनाते हो सो so ये जो चीज है हमने बहुत लेट अपनी लाइफ में सीखी है कॉलेज में जाके और इनको ये शुरू से ही सिखाई जाती है तो ये दिस इज़ द बेस्ट वे आई फील कि हमें जो टेक्स्ट बुक्स है उसके साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं होना है और शुरू में मेरे को काफ़ी मुश्किल हुई थी लास्ट ईयर क्योंकि पता नहीं चलता था बच्चे स्कूल में कर क्या रहे हैं अगर इनको घर से हेल्प करनी है तो किस तरीके से करें और बट येस इस साल में मुझे इतना नहीं फील हुआ है और क्योंकि आई थिंक मुझे भी थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है कि हाँ बच्चे कर रहे हैं टीचर्स मेहनत कर रही हैं और वो उनसे सीख रहे हैं और होमवर्क भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है अमरत्या को भी वीक में दो तीन दिन मैथ्स का मिलता है और कभी कभार अगर उसने अपना क्लास वर्क कम्प्लीट नहीं किया है तो वो घर में आता है अदरवाइज बहुत ज़्यादा काम घर पर भी नहीं आता है एक चीज इनकी ये है कि टीचर्स बोलते हैं कि डेली आपको घर पे ट्वेंटी मिनट्स रीडिंग करनी है सो so, पिछले साल वो रीडिंग लॉग देते थे कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है उसका नाम लिखिए और नंबर ऑफ मिनट्स लिखिए इस साल वो नहीं है लेकिन इस चीज को बोला जाता है स्कूल में कि आपको डेली कम से कम ट्वेंटी मिनट्स घर पे रीडिंग करनी है सो so, ये था ओवरऑल uh, की इनकी बुक्स और पढ़ाने के तरीके के बारे में और अगर इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए सो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई एम नॉट श्योर कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय